एखने सब्सक्राइब कैल जाए मधेस दर्पण। हमने कहा संशोधन, वो कहे पुनर्लेखन, जो कहे पुनर्लेखन आज वो कहते हैं मधेस में चुनाव होगा, संविधान का पुनर्लेखन क्या सारा संशोधन, संविधान की मांगे पूरी हो गई, उन विद्वानों की नजर से संविधान की मांग पूरी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं जो मुझे छोड़ के निर्वाचन को अंगीकार करने जा रहे हैं, क्या प्रस्तावना में बेपत्ता आंदोलन के साथ आप द्वारा किया गया मधेस आंदोलन लिखा है? क्या इस संविधान की धारा 11(2) में आपकी बहन बेटियों को अंगीकृत नागरिकता से उन्मुक्त किया गया है? क्या इस संविधान की धारा 42 में देश को समानुपातिक समावेशी के सिद्धांत को पूर्णतया लागू की गई है? क्या इस संविधान की धारा 97 में आपको समान जनसंख्या के आधार पर आपके प्रतिनिधित्व को सुरक्षित किया गया है? क्या इस संविधान की 7(2) में आपकी मैथिली भाषा को इस सरकार की सरकारी कामकाजी भाषा बनाया गया है? ऐसे हम लोगों ने त्रुटि ही त्रुटि भरा था इस संविधान में। हमने कहा संशोधन करो, बड़ी मशक्कत के बाद संविधान संशोधन का एक विधेयक संसद में दर्ज है। जब तक वह विधेयक संविधान सभा से व्यवस्थापिका संसद से संशोधन न हो जाए, जब तक मैं 30 रुपया में खरीद के पढ़ ना लूं कि मेरा भी यह हक, मेरा भी अधिकार इस संविधान में लिखा है, वो संविधान की कार्यान्वयन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और संविधान की कार्यान्वयनता के नाम पे की गई कोई निर्वाचन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। निर्वाचन जबरदस्ती अगर कराया जाएगा तो मुठभेड़ होगी। कोई कोई समझते हैं अरे निर्वाचन करा लेंगे, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल वाला तो उस दिन कीर्तन बजाएगा। हम लोग कीर्तन नहीं बजाएंगे, उस बक्से को वोट डालेंगे जिसमें तुम निर्वाचन का पत्र संकलन करोगे। जहां जाके जिस गांव पालिका नगर पालिका में जाके तुम उम्मीदवारी घोषणा करोगे, उस कार्यालय में ऐसी ताला लगेगी कि जीवन में कभी निर्वाचन आयोग वहां लौट के आ नहीं पाएगा। उस दिन सड़कों पे गाड़ियां नहीं चलेगी, फिर से खून की होली खेलनी हो। राष्ट्रीय जनता पार्टी किसी निर्वाचन लड़ने के लिए गठन नहीं हुई है, यह पार्टी आंदोलन का दूसरा नाम है। हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, आंदोलन हमारा निर्विकल्प रास्ता है। आपको क्या लगता है हमें इच्छा है कि मेरी सखा को कोई गोली मार दे? आपको क्या लगता है हमारी इच्छा है कि आप पर कोई लट्ठी बरसाए? हम भी अमन चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं, हम भी इस मुल्क में सदाचार चाहते हैं। बस एक रास्ता है, संविधान में मेरा अधिकार लिख दो। लेकिन यह शासक सभ्यता की वो भाषा समझते ही नहीं है। हमारे अग्रज गजेंद्र नारायण सिंह ने राणा शासन के विरुद्ध अपने सारे पर्वतीय साथियों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर युद्ध किया था। इस मुल्क में राणा शासन को फेंकने में अगर बीपी कोयराला की कोई लगानी है, अगर स्वर्ण शमशेर की कोई लगानी है, तो बाबू गजेंद्र नारायण सिंह की भी 1 इंच कम लगानी नहीं है। लेकिन गजेंद्र नारायण सिंह को ठग लिया गया, संविधान बनी, संविधान में फिर से मेरा अधिकार नहीं लिखा गया। समझिएगा, उस भाषा में समझाएंगे। अभी तो हमारी आंदोलन शांतिपूर्ण है, हम भी इस तरह विरोध सभा करते हैं, हम भी कभी कभी बाजार बंद करते हैं, हम भी कभी कभी अनशन बैठते हैं, हम भी कभी कभी धरना देते हैं, हम भी कभी कभी जुलूस निकालते हैं। लेकिन कल हम आपको उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में प्रचंड जी ने आपको समझाया था। कंचक के नीचे से बंदूक उठाए किया तो संविधान सभा सुधार करेंगे। जिस भाषा में जयकृष्ण गोयत ने आपको समझाया, कंचक के नीचे से बंदूक ही ठाए तो आप समझ गए कि मधेस का अधिकार क्या होता है। आप जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में हम समझाने को तैयार हैं। और नहीं समझेंगे तो नेपाल की उन सारी विभूतियों से तरक्की भरकर मधेस का विभूति नहीं है, हम मुल्क अलग कर लेंगे। हमको मुल्क अलग करने के लिए बाध्य मत कीजिए, यह निर्वाचन को रोकिए। निर्वाचन जैसी होनी चाहिए, निर्वाचन नरसंहार जैसा नहीं, निर्वाचन मुठभेड़ जैसा नहीं। मैंने शुरू में भी निवेदन किया था, राष्ट्र जनता पार्टी नेपाल किसी निर्वाचन के विरोधी नहीं है, किसी चुनाव का विरोधी नहीं है। चुनाव तो लोकतंत्र की सुंदरता है, आपधिक निर्वाचन होते रहना चाहिए। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा यह निर्वाचन नहीं हो रही है, यह चुनाव नहीं हो रही है, यह नेपाल की संविधान 2072 जो आपकी सखाओं की खून से रंगी पोती है उसका कार्यान्वयनता है। एखने सब्सक्राइब कैल जाए मधेस दर्पण।